मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ में जो है ये TSRTC तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कार्गो का जो सामान यानी पैसेंजर्स का जो सामान लोडिंग करते और अनलोडिंग करते ये तमाम लोग हैं। ये तो इनका ये बोलना है पूरे तेलंगाना में जो है, जैसा महात्मा गांधी बस स्टॉप है, जुबली बस स्टॉप है, दिलसुनगर, ऐसा पूरे 68 बस स्टॉप्स है पूरे तेलंगाना में। और हर बस स्टॉप पे अब जैसा महात्मा गांधी जुबली बस स्टॉप है, इसके अंदर जो है 300 लोग काम करते, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते, 150 एक दिन करते, 150 एक दिन करते। ऐसा पूरे तेलंगाना में तकरीबन 4000 लोग है, 68 डिपोस है, जिसमें 4000 पर्सन, ये बाप दादा से इनका सिलसिला चलते आ रहा है, इनके दादा भी यही काम करे, इनके वालिद करे, ये लोग काम कर रहे हैं। तो बसेस जो है आपको पैसेंजर को ऑटो लेके अंदर तक नहीं जाने देते, बाहर डिपो के बाहर रोक देते, ये लोग इनका सामान उठाकर बस तक डालते। वो बहुत दूर रहता, कभी टर्मिनल 10, टर्मिनल 9, 8 ऐसा रहता, और डिस्ट्रिक्टों में तो और प्रॉब्लम रहता। तो पर केजी 10 रुपीस इनको जो है, 1 किलो से 50 किलो तक अगर ये लोग सामान उठाए तो इनको जो है 10 रुपए दिए जाते, ऐसी एक बिल बनती उसकी, जो भी सामान उठाते। ये 3 साल से जो है इनको 10 रुपीस पर केजी दिया जा रहा था, उसमें जो है हमाली यानी लोडिंग करने के 10 रुपीस, अगर अनलोडिंग करे तो उसके 10 रुपीस। 50 किलो भी अगर ये लोग, अभी इन ज़यीफ है बेचारे, बूढ़े मियाँ है, इनको अगर 50 किलो भी सामान उठाए तो इनको 10 रुपए मिलते हैं इनको। आप अंदाजा करिए, एक पैसेंजर को सवार कराने या एक पैसेंजर को उतारने कम से कम हाफ एन आवर इनका ख़राब होता। अब कभी मिलता है, कभी जॉब नहीं मिलता। तो अब ये कुछ दिन पहले यानी ये एक जियो निकाले, ये जियो कब आया, ये 2020 में, ये 2020 में नहीं, अभी रिसेंटली जो एक जियो निकाले, एक हाँ ये जियो आया 28/10/2023। ये जियो आया कि इनकी जो पर केजी जो 10 रुपए यानी 1 केजी से 50 केजी तक जो दे रहे थे 10 रुपए, उसको कम करके 5 रुपए कर दिए। तो अब उसमें जो है इनको पहले के जैसा ये नहीं दे रही है, जैसा पहले लिख के देते थे ऐसा ये नहीं लिख के दे रही है। अब खाली रात में इनको बुला रही, बुला के ये बोल रही कि आपको जो है ये 150 रुपए आए, 200 रुपए आए। अब जो कार्गो का जो सामान उठाने वाले को मिनिमम 1000 रुपए मिलते थे, 800 रुपए मिलते थे, अब उसको जो है 150 रुपए आ रहे हैं खाली, 150-200 रुपए आ रहे हैं। इसमें जो है 4000 लोग है ये जो कार्गो का काम करते, हर फैमिली में एक 5 आदमी भी अगर पकड़े तो 20,000 लोग इनके भूखे मर रहे हैं। तो इनके जो मंत्री, इनके जो MD है सज्जन आर साहब, IPS जो हमारे फार्मर कमिश्नर है, ये लोग जाके उनसे बात किए, सज्जन आर साहब, उनके पास टाइम नहीं है बिचारों का। ये जो संतोष कुमार बोल के इनके एक ED है कार्गो के इंचार्ज, ये पूरे गरीबों के जुल्म के जो स्कीम्स ला रहे हैं ये संतोष कुमार ही चाहिए। भाई आप तो एयर कंडीशन में है, आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह आ रही, आपके बीवी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये आप क्या कर रहे हैं, गरीबों की मार दे रहे हैं आप। आप जो है पब्लिक का फायदा नहीं कर रहे। हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ केजी में पब्लिक को कम कर रहे नहीं, उल्टा पब्लिक को और पैसे बढ़ा दिए पर केजी, 30 रुपए, 10 रुपए जो पब्लिक से ले रहे थे वो 30 रुपए पर केजी कर दिए, इनको 10 रुपए जाके 5 रुपए कम कर दिए इनके। तो बहरहाल इश्यू ये है कि ये दो चीज़ है, सज्जनार साहब से इनकी यूनियन जाके मिली, टाइम ही नहीं है उनके पास, 2 मिनट में हकाल दिए। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर भी है, पूनम प्रभाकर साहब से ये लोग जाके अजीज पाशा के द्वारा जाके उनसे मिले, वो बेचारे भी कोई टाइम नहीं दिए इन लोगों को, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे नहीं। खाली इतना करना है कि जो साबिक में जो पर केजी 20 रुपए ले रहे थे, जो 10 रुपए लोडिंग 1 से 50 दे रहे थे, अरे 10 रुपए के बजाय 20 रुपए करना था, गरीबों को बढ़ाना था। महंगाई देखे तो आसमान छुरी, जो सिलेंडर 40 रुपए था आज 100 रुपए हो गया वो सिलेंडर, बच्चों के स्कूल के फीजा जो 500 रुपए पर मंथ, 300 रुपए पर मंथ थी, आज 2000 हो गई पर मंथ बच्चों की फीस, कहाँ पर से गरीबा जींगे बताइए। तो ये लोग मेरे पास आए हैं, अब जो नए हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब,
गरीबों के ताल्लुक से आप बहुत सोच रहे हैं, ऑटो यूनियन ऑटो ड्राइवर्स के बारे में भी आप सोचे, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनको उनको आरोग्यश्री में इंक्लूड करें आप, तो ये जो है ये गरीबा जो आपका वजन उठाते, यानी अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे, पैसेंजर को सहूलत देंगे, तो इसमें गवर्नमेंट का नाम TSRTC का नाम बढ़ेगा। कभी भी जो है IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स की सुन के फैसले नहीं करना। चंद्रबाबू नायडू और KCR की एक कमजोरी ये थी कि ये लोग IAS IPS ऑफिसरों की सुन के फैसले लेते थे, जिससे उनकी हुकूमतें चले गए। तो रेवंत रेड्डी साहब से हमारे मुतालबा है कि आप जो है 10 रुपये के बजाय जो 5 रुपये करे, पहले तो इमीडिएट उसको जियो को क्वाश करिए, उसको 10 रुपये करिए, हो सके तो बढ़ाइए। भाई कोई भी कस्टमर जो है, अब जैसा मैं हूँ, मैं गया बस से सफ़र करा, अगर मेरा 50 किलो अगर कोई वजन, 50 किलो से तो बढ़ के कोई लेके नहीं जाते, मेरा अगर 50 किलो, आप देखिए एयरपोर्ट पे कितना मार रहे हैं बताइए, वहाँ कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया आप लोग। एयरपोर्ट का जो पोर्टर्स है, कम से कम एक पैसेंजर अगर बाहर से उन्हें फ्लाइट तक गया जब तक कम से कम 900-1000 रुपये ले रहे हैं उससे, या गरीबों को मार दे रहे हैं, वहाँ उनको अमीरों को पाल रही। तो हमारा मुतालबा है जनाब रेवंत रेड्डी साहब से कि ये सरकार जो है अवामी सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये गरीब आपको वोट डाल के बनाए सो है, इनकी सुनिए। ये लोग आके आपसे मिलते, हो सका तो हम लाके मिलेंगे, ये आपके प्रजावानी में भी आके आपसे मुलाकात करेंगे। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अमजदुल्ला खान ये डिमांड करता हूँ कि इमीडिएट ये जियो को कॉश करिए, जो 10 रुपये से 5 रुपये पर केजी का जो 50 1 to 50 KG का कर दिए हैं। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे कौन आप बात करते हैं, हमारे खासिम साहब पूरी आपकी तफसील सुनाते, बोलिए एक जने उर्दू में बोले जने कर बोलिए। हम जो है कम से कम 40 साल से काम कर रहे हूँ साहब, इससे पहले एनल पार्सल था, साल को मैं 200-300 रुपये बढ़ाते थे हर दो साल को। अभी ऐसा हो गया है कार्गो में, कार्गो जब से आया है हमारे रास्ते बहुत मुश्किल हो गया सर, 10 रुपये की जगह 5 रुपये कर दिए, हमारे को बिल्कुल जीने घर चलना मुश्किल हो गया सर। कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? मैं 76 से कर रहा हूँ साहब, 76 ये सामान उठाना, ये मेरा हाथ भी टूट गया उससे, वैसे चला रहा हूँ उससे, 76 से कर रहा हूँ साहब, वही सामान गिर के हाथ टूट गया मेरा। साहब से क्या मुद्दा, आप लोग आपके MD से जाके मिले साहब? MD से मिले तो 2 मिनट में ऐसा अकाल दिए क्या बोल दिया, हाँ कर दिया, मैं कम कर दिया, जाओ बोल के भेज दिया, हमारे 10 का 5 कर दिया बोल के भेज दिया एक सेकंड में। मिनिस्टर साहब से मिले तो क्या बोले? मिनिस्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है साहब मैं कर देता हूँ, आपके लेटर पैड पे लाओ जिस पर साहब मैं आपको कर देता हूँ बोल के बोले। फिर हम लेटर पैड भी ले आके दिए तो अब तक 10-12-15 दिन हो गए, अब तक कुछ भी नहीं है, तीन वक्त मिले साहब, तीन बार मिले। आप कौन बात, आप बात करते हैं? वेंकटेश। ये हमारे वेंकटेश साहब हैं, तेलुगु तेलंगाना RTC मेस्टल मेमू अंदरम गत 3 సంవత్సరాల నుండి 2020 నుండి ప్రతి లగేజ్ కార్గోలో వేసినందుకు ప్రతి సరుకుకు 1 నుండి 50 కేజీల వరకు 10 రూపాయలు ఇచ్చేవారు, ఇప్పుడు 29 తారీఖు 8వ నెల 23 నుండి 10వ నెల నుండి మాకు కొత్త సర్కులర్ రావడం జరిగింది, దాన్ని 10 రూపాయలు 1 నుండి 20 కేజీల వరకు 10 రూపాయలని 5 రూపాయలు తగ్గించారు, తగ్గించిన తర్వాత మాకు గతంలో వచ్చిన దానికంటే డబ్బులు సగానికి పడిపోయినాయి, ఈరోజు ఇల్లు గడవడం నష్టం ఉంది, కష్టం ఉంది, మేము పని చేసుకొని ఇంటికి పోయి వెళ్ళాలంటే కూడా కష్టం ఉంది, ఈరోజు బస్ ఎక్కి పక్కకి వెళ్ళాలన్నా కష్టం ఉంది, వేరే పని దొరకదు, మేము గతం నుండి మా నాన్నగారు ఇదే డ్యూటీ చేసిండు, ఆయన తర్వాత నేను చేస్తున్నా ఈరోజు, 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే డ్యూటీ చేస్తున్నాము, మాకు జీవనం గడవడం కష్టంగా ఉంది, మమ్మల్ని దయచేసి మీ రేవంత్ రెడ్డి గారు సారు మీరు మాపై దయ ఉంచి మా పిల్లలని తెలంగాణలో 68 డిపోలలో ప్రతి డిపోకు 10 మంది పెట్టినా కానీ 4000 మంది మేస్తులం ఉన్నాము, మా అందరి జీవనోపాధి గురించి ఆలోచించి మాకు తక్షణం 10 రూపాయలు చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాము. Thank you, sir.